Hello everyone, welcome to our channel Panacea for Competitive Examinations and I'm Shweta. So, अभी हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स TCS एग्जामिनेशन के लिए. सो ऑगस्ट की पार्ट थ्री कर रहे हैं, यानी अभी ऑगस्ट का पार्ट वन और पार्ट टू हमने फिनिश कर लिया है. सो आज अगर हम पार्ट थ्री फिनिश करते हैं तो पूरी तरह से ऑगस्ट का करंट अफेयर जो है फिनिश हो जाएंगे. सो यहाँ पे ऑगस्ट में यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो है वो टॉपिक नहीं कराया है, इंक्लूड नहीं किया गया है, वो टॉपिक अलग से हम एक और वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ेंगे. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड उससे पहले अगर आप कुछ भी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, जैसे कि एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग से रिलेटेड, या यूपीएससी, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, स्टेट लेवल के कुछ भी एग्जामिनेशन हो, तो आप चाहो तो आप टेस्ट बुक की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. सो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है, 23,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल रही है और 370 प्लस से भी ज़्यादा एग्जामिनेशंस के लिए आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं. और यहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा, सेक्शनल वाइज भी मिलेगा और बहुत सारे फ्री क्विजेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो. एंड अगर यहाँ पे आप PAN10 का कोड अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको एडिशनली 10% का ऑफ यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है. एंड 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है और 2 साल का भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल है. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं. सो द किंग ऑफ विच कंट्री हैज अपॉइंटेड इस्माइल साबिर याकूब एज अ प्राइम मिनिस्टर. सो इस्माइल साबिर याकूब जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कौन से कंट्री के, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया विल बी योर राइट आंसर. सो मलेशिया का कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर इज द कैपिटल. अगर करेंसी की बात करते हैं तो रिंगजिट जो है यहाँ के करेंसी है. ओके, मलेशियन रिंगजिट इज द करेंसी, कैपिटल इज कुआलालंपुर. सो विच हाईवे हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रेंडली हाईवे. सो वो कौन सी हाईवे है जो यहाँ पे ईवी फ्रेंडली हाईवे बन चुका है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रेंडली. सो वो कौन सी हाईवे है, तो दिल्ली टू चंडीगढ़ जाने वाला जो हाईवे है वो जो है ईवी फ्रेंडली हो गया है. अभी हम बात करते हैं क्यों, आई मीन ईवी फ्रेंडली कैसे हुआ. सो यहाँ पे नो ये हाईवे में क्या हुआ है ना, इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या करना है, पेट्रोल नहीं है उसका, चार्जिंग करनी है. सो चार्जिंग स्टेशंस जो है यहाँ पे रखा है और वो जो चार्जिंग स्टेशंस है ना वो सोलार बेस्ड है, यानी करंट से नहीं चार्ज होते हैं, वो सन से यानी सोलार के थ्रू जो है उनमें करंट आती है, तो वहाँ से जो है वो लोग चार्जिंग लगा सकते हैं. सो बहुत अच्छा है ये वाला, सो याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो विच इंडियन एक्टर वॉज अमॉन्ग द विनर्स ऑफ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड्स. सो कौन थे, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मनोज बाजपेयी. सो और साथ ही साथ इनको जो है जॉइंटली यहाँ पे मिला है एक्टर और एक्ट्रेस को. सो मनोज बाजपेयी और समानता अक्किनेनी को जो है ये अवार्ड जो है मिला था. और कौन से यहाँ पे वेब सीरीज़ के लिए मिला था इनको, फैमिली मैन 2. सो ओके, फैमिली मैन 2 वेब सीरीज़ के लिए इनको जो है ये अवार्ड मिला था. सो हु वॉज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. सो किसको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपूर्वा चंद्रा आपका सही आंसर हो जाएगा. अगर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बात हो रही है तो हु इज द मिनिस्टर, तो अनुराग ठाकुर जो है मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. ओके, सो विच इंडियन इज एट द 97th स्पॉट इन द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स. सो कौन है यहाँ पे 97th स्पॉट पे, सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा किशन दहमानी. ओके, सो ये टॉप 100 में इंडिया के इकलौता थे जो 97th स्पॉट्स पे
है। तो अगर इनके बारे में बात करते हैं ना, तो ये है फाउंडर ऑफ डीमार्ट। ओके, ही इज द फाउंडर ऑफ डीमार्ट। सो यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि डीमार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने जो है इसकी फाउंडेशन किया है, तो कितना अच्छा काम किया है ना। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड वुमेन टू सेट इन विच एग्जाम रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सो पहले जो है लड़कियों को ये एग्जाम लिखना अलाउ नहीं था। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी अलाउ कर दिया है। वो कौन सी एग्जामिनेशन है, एनडीए है, जो साल में 2 बार होती है। ओके, नेशनल डिफेंस एकेडमी है इसका फुल फॉर्म। सो इसकी जो है अलाउ किया है वुमेन को, तो ये आप याद रखनी है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। ओके, सो हु वन द मिक्स्ड डबल्स टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट इन बुडापेस्ट। सो किसने जीता है मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस? सो आंसर आपका हो जाएगा मनिका बत्रा एंड जी साथियान। ओके, सो बुडापेस्ट जो है हंगेरिया में है। ओके, सो इंडियाज अमित खात्री विन सिल्वर रिसेंटली इन विच गेम? सो इन्होंने जो है सिल्वर जीता है, तो कहाँ पे, यानी कौन सी गेम पे इन्होंने जीता है? तो वो जो है ना, ऑप्शन नंबर ए एथलेटिक्स। ओके, सो इन्होंने क्या किया है, 10,000 मीटर्स का जो है रेस वॉक किया है, और कहाँ पे किया है, अंडर 20 एथलेटिक्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप मैंने आपको पढ़ाया था ना, कहाँ पे हो रही है, केन्या में हो रही थी, नैरोबिया केन्या में हो रहा था अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसमें जो है इनको सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने 10,000 मीटर्स की रेस वॉक में। सो हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज अनाउंस टू रीनेम विच एयरपोर्ट एज महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? सो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हिसार एयरपोर्ट को जो है ये रीनेम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का नाम तो देख लिया, कौन है, मनोहर लाल खट्टर। सो गवर्नर की भी बात कर लेते हैं, कौन है, भानु दत्तात्रेय। एंड नेक्स्ट लोकसभा एंड राज्यसभा की बात कर लेते हैं, तो लोकसभा में है 10 सीट्स, राज्यसभा में है 5 सीट्स। ओके, सो नेक्स्ट, इंडिया इज गोइंग टू हैव हाउ मेनी न्यू अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरीज बाय द एंड ऑफ 2021? सो इंडिया में कितने अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरीज जो है होने वाले हैं 2021 के लास्ट तक? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 35 आंसर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा कहा गया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा जो है ये बात जो है कहा गया है। सो कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, और अर्थक्वेक के बारे में आपको और एक चीज याद रखनी है, एक ऐप जो है लॉन्च हुआ था उत्तराखंड जो है कोलैब कर, IIT रुड़की के द्वारा जो है कोलैब करके ये ऐप जो है भूकंप अलर्ट वाला, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप जो है लॉन्च किया गया है, ये भी याद रख लीजिए। सो ज़ायर अल बाहर इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ जो है ये नेवल एक्सरसाइज होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, खतर आपका सही आंसर है। और ये जो पहली बार नहीं है, ये सेकंड एडिशन है इस एक्सरसाइज का। ओके, सो विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज प्लेस्ड इन द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रिलीज बाय शंघाई रैंकिंग रिसेंटली? सो कौन सी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो आंसर आपका हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। सो ये इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं इसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है। और यहाँ पे शंघाई रैंकिंग में ये टॉप 100 में नहीं रहा है, पूरा वर्ल्ड में रैंकिंग होता है, तो टॉप 500 में आ गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, पर इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। सो वहाँ
वांछुवा फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट करते हैं ये फेस्टिवल वांछुवा? सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम आपका हो जाएगा। सो ये हार्वेस्ट, जो भी प्लांटेशन करते हैं ना, उस हार्वेस्ट को मार्क करने के लिए ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और जो भी ट्राइबल पीपल होते हैं वो अच्छे से ड्रेस होके इस फेस्टिवल में नाचते हैं, गाते हैं, बहुत अच्छे से जो है यह सेलिब्रेट किया जाता है। अगर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो हिमांता बिस्व शर्मा इज राइट नाउ चीफ मिनिस्टर। गवर्नर की बात करते हैं तो जगदीश मुखी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करेंगे। लोकसभा में 14 सीट्स, राज्यसभा में है 7 सीट्स। ओके, सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स? सो क्या है इंडिया की यहाँ पे रैंक? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड आ गया है। ओके, सो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में इंडिया का रैंक सेकंड आया है। सो द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट विल टेक प्लेस एट विच प्लेस? सो कहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट की समिट होने वाली है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की? सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनीवा स्विट्जरलैंड में होगा। और कब से लेके कब तक ये होने वाला है? तो September 20 से लेके September 23 तक ये होगा। सो विच प्लेयर हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द न्यू फ्लैग बेरर ऑफ इंडिया द टोक्यो पैरालंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी? सो सबसे पहले मरियप्पन थंगावेलु को जो है सेलेक्ट किया गया है कि ये फ्लैग बेरर रहेंगे टोक्यो पैरालंपिक्स के बाद। अगेन जो है दूसरी बार सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे फ्लैग बेरर कौन थे? तेगचंद जो है फ्लैग बेरर थे टोक्यो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में। ओके, सो 5th of September तक हमारे टोक्यो के पैरालंपिक्स चले। इसमें हमको 19 मेडल्स मिल चुके हैं। ओके, इसमें 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 जो है ब्रॉन्ज थे। सो पूरा वीडियो जो है मैंने बनाया है। एंड यहाँ पे आप फोकस करना एक चीज़ को कि यहाँ पे मैंने ओलंपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डाला है, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक से हो या टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड हो। मैंने अलग सी वीडियोस जो है बनाया है, उसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। राइट, सो व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंडियाज मेंस क्रिकेट टीम इन द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021 एंड 2023 तक पॉइंट्स टेबल में? सो इंडिया की रैंक क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे इंडिया। ओके, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्योंकि क्रिकेट से क्वेश्चन हम ज़्यादातर एग्जामिनेशन में देखते हैं। सो हु इज गोइंग टू रिसीव साहित्य अकाडमी अवार्ड 2020 फॉर हर वर्क इन ओडिया? सो ओडिया में काम करने, यानी इनका वर्क जो है ओडिया में किया है, तो साहित्य अकाडमिक अवार्ड जो है सो कौन रिसीव करने वाला है? तो आंसर आपका हो जाएगा यशोधरा मिश्रा। इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकती है। सो ऑपरेशन देवशक्ति, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इज द evacuation मिशन ऑफ इंडिया इन which कंट्री? सो हमारे इंडियंस को अफगानिस्तान से वापस लाने के लिए अभी तक जो है रिकॉर्ड में 800 मेंबर्स को वापस लाया गया है अफगानिस्तान से। सो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान देवशक्ति। सो ये ऑपरेशन का नाम है, याद रख लो। सो कैजन 21 इज अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ इंडिया टू बी कंडक्टेड विथ विच कंट्री? सो कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट होने वाली है? कजाकिस्तान के साथ होने वाली है। और ये फिलहाल जो है हो गया है August 30 से लेके September 11 तक ये चला है, और ये 5th edition है इस एक्सरसाइज का, 5th edition। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी। सो वन बैब रिसेंटली लॉन्च्ड अनदर बैच ऑफ 34 सैटेलाइट्स बाय एरन स्पेस फ्रॉम विच कंट्री? सो कौन सी कंट्री के साथ जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा कजाकिस्तान, आपका सही आंसर हो जाएगा। सो यहाँ से जो है 37 सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च किया गया था।
So, which meeting of the BRICS high representatives responsible for national security has been recently held? So, BRICS की high representative meeting जो है ना कहाँ पे हुआ था और ये कौन सा meeting है, तो answer आपका हो जाएगा option number B. यहाँ पे ये 11th एडिसन था, होस्ट किया गया है यहाँ पे किसके द्वारा, अजय दोवल के द्वारा होस्ट किया गया है. अगर हम बात करते हैं अजय दोवल कौन है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है. तो ये वर्चुअली जो है इस मीटिंग को जो है कंडक्ट किया गया था. सो ओहिम इंटरनेशनल हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री एज विच सिटी. सो ओहिम यू जो है ना ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, इंडिया में जो है यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है. तो ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री सो कहाँ पे हुआ है लॉन्च, तो बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था. Okay, so the Association of Southeast Asian Nations and India will celebrate the dash in the year 2022 and named it as the Asian India Friendship Year. So, कौन सा anniversary जो है celebrate करने वाले हैं the Association of South या Asian कह सकते हैं इसको, 30th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट करने वाले हैं और इनको इसको जो है नाम दिया है एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर, 30th एनिवर्सरी याद रख लीजिए. सो संदीप बख्शी वॉज रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक. सो कौन सी बैंक के MD एंड CEO इनको रीअपॉइंट किया गया है, तो आंसर आपका ICICI बैंक हो जाएगा. अगर हम देखते हैं ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5th of January 1994 और हेड क्वार्टर इसका है मुंबई में. So, Fatah 1, a guided multi-launch rocket system, was test fired by which country? So, multi-launch rocket system, Fatah 1, ये test fire किया गया है, okay? So, कौन सी country ने जो है launch किया है? तो, option number C, Pakistan आपका सही answer हो जाएगा. So, what is the capital of Pakistan? Islamabad यहाँ पे capital हो जाएगा. So, who is the prime minister? So, Imran Khan. सो बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान का. इमरान खान का जो PM का प्राइम मिनिस्टर का हाउस है जहाँ पे इनको रहना चाहिए, वो जो है इन्होंने रेंट पे दे दिया है ताकि इकोनॉमी को थोड़ा मनी आ जाए. ओके, इतनी बुरी हालत चल रही है पाकिस्तान की. सो इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत दैट वॉज बिल्ड बाई. सो किसके द्वारा जो है INS विक्रांत को जो है बिल्ड किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको जो है बिल्ड किया गया है. अगर डिजाइनिंग की बात करते हैं हु डिजाइंड इट, सो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने जो है इसको डिजाइन किया था. So the first digital investment platform to introduce UPI based auto pay functionality first mutual fund systematic investment plan is. So यहाँ पे इतना क्या है ना, तो फर्स्ट डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो UPI जो है इंट्रोड्यूस UPI बेस्ड ऑटो पे फंक्शनैलिटी म्यूचुअल फंड के लिए कर रही है ना, तो वो कौन सी है, तो आंसर आपका हो जाएगा फोन पे. ओके, सो फोन पे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुआ था और फ्लिपकार्ट ने जो है इसको ले लिया था 2016 में. अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मुंबई में है एंड इसका CEO कौन है, समीर निगम इज अ राइट नाउ CEO. सो विच स्टेट पुलिस रैंक फर्स्ट इन इंडिया अंडर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम. सो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इंडिया में कौन सी स्टेट है जो फर्स्ट प्लेस पे है, तो वो है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा. ओके, सो सेकेंड प्लेस पे गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश जो है सेकेंड प्लेस पे थे. एंड अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल
कत्तर है, गवर्नर की बात करते हैं तो बांटू दत्तात्रेय है, लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स की बात करेंगे, लोकसभा में 10, राज्यसभा में 5। सो आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 10,000 फॉर अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन एंड एनी एटीएम फॉर मोर देन हाउ मेनी आवर्स विच इज़ इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 1, 2021। सो आरबीआई ने एक पेनल्टी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर यहाँ पे एटीएम में कोई भी एटीएम हो देश में, सो अक्टूबर 1 से अगर 10 आवर्स से भी ज़्यादा वहाँ पे पैसे नहीं हैं तो 10,000 की पेनल्टी उनको पे करना पड़ता है उस बैंक को। सो DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी कृषि मिसाइल विथ ए न्यू मेड इन इंडिया फॉर्म। सो कौन सा स्टेट, एक सेकेंड रुक जाना। सो कहाँ से जो है इसको जो है टेस्ट फायर किया गया है सक्सेसफुली, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ओडिशा से जो है इसको किया गया था। ओके, सो ओडिशा का चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक है, गवर्नर है गणेशी लाल। सो विच स्टेट वर रैंक्ड फर्स्ट इन द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, सो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में सो कौन सी स्टेट जो है फर्स्ट रैंक आया है, तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ तेलंगाना एंड ओडिशा। सो यहाँ पे रिलीज किसके द्वारा किया गया है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा जो है इसको जो है रिलीज किया गया है था। सो द स्पेस एजेंसी दैट लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट, और उस सैटेलाइट का नाम है यूटेलसैट क्वांटम। सो इस ये जो है पहली रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है, वहाँ जाने के बाद हम यहाँ से उसको जो है रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, तो उसका किसने किया है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, पेरिस में है, एंड एस्टैब्लिशमेंट इसका किया गया है 30 मई 1975 में। सैटेलाइट का नाम याद रख लीजिए, पहली है वर्ल्ड की तो ज़रूर आएगा। सो विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अंडर ऑल कैटेगरी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। सो क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, इंडिया की ऐसी पहली स्टेट कौन सी है जिन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 1% रिजर्वेशन दे दिया है गवर्नमेंट की सर्विसेज में सारे कैटेगरीज में। सो आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका। ओके, सो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, अभी अपॉइंट हुए हैं बसवराज बोम्मई। गवर्नर की बात करते हैं कौन है, तवार चंद गहलोत। लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करेंगे तो 28 और 12 सीट्स है। सो द मिनिस्ट्री दैट लॉन्च द स्कीम इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग एवेल्युएशन एंड सोशल ऑडिट, IMESA इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये जो है ये क्या करता है, ये स्कीम जो है ना, ये जो भी फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 में जो भी फाइनेंशियल स्कीम्स जो है आने वाले हैं या आ चुके हैं उसका जो है रिव्यू करता है ये स्कीम। ओके, सो विच सिटी इज सर्टिफाइड एज वाटर प्लस सिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन। सो वो कौन सी सिटी को सर्टिफाई किया गया है वाटर प्लस सिटी, सो इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर का जो है सर्टिफाई किया गया है। सो क्यों ये सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि यहाँ के जो रिवर्स मेंटेन करने के लिए, रिवर्स में क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए ये दिया जाता है। अगर मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर की बात करते हैं तो मंगान भाई पटेल जो है गवर्नर है। लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स देखेंगे तो लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में है 11 सीट्स, राइट। सो इंडियन सेंसस विल बी इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस विच विल बी द, सो 16 सेंसस होने वाले हैं आपका 2021 में जो सेंसस होने वाले हैं, और ये इंडिया की पहली डिजिटल सेंसस रहेंगे। ओके, और ये 16 सेंसस है और 18 लैंग्वेजेस में ये पाया जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ओके,
who is the brand ambassadors of RBI's awareness campaign on digital banking fraud? कौन है ब्रांड एम्बेसडर? नीरज चोपड़ा है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में 7 अगस्त को. 7 अगस्त जो है जैवलिन थ्रो डे भी डिक्लेयर किया गया है, तो ये बन गया है आरबीआई की. बात करते हैं तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1935 कोलकाता में हुआ है. राइट नाउ इसकी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है. नेशनलाइजेशन 1949 1 जनवरी को हुआ था. राइट, सो हु विल बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट एम्बिशन देश का मेंटोर्स इनिशिएटिव? सो कौन बनने वाला है? तो आंसर सोनू सूद है. सो देश का मेंटर्स इनिशिएटिव क्या है? एक्चुअली क्या है ना, जो भी अपने अपने फील्ड में है ना अच्छे कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हो या बैंक मैनेजर या कोई भी अपनी फील्ड में जो है वो अच्छे कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे ना इस स्कीम या इस इनिशिएटिव के अंडर, एक 10 मेंबर्स को, यानी गवर्नमेंट स्कूल जाने वाले 10 स्टूडेंट्स को लेंगे और उनको जो है मेंटर करेंगे कि आपका पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छे बातें उनको गाइड करेंगे कि फ्यूचर में उनको कैसे एक अच्छा सिटीजन बनना है, उनको अपनी कैरियर को कैसे अच्छा बनाना है. इससे एक वीकली वंस जो है फोन पे जो है उनसे बात करते रहेंगे. ओके, सो कोई भी जो है यहाँ पे इस इनिशिएटिव में पार्ट ले सकता है और इसका एम्बेसडर है सोनू सूद. सो द फर्स्ट एवर G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? सो कौन सी कंट्री में हुआ था? इटली में हुआ था, हाँ कि नहीं? सो वर्चुअली हुआ था ये. फिजिकली तो आजकल कुछ भी कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रहे हैं, वर्चुअली हो रहे सारे के सारे. सो नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु हैज़ वन द 2021 बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट. सो किसने जीता है? इंडिया के ग्रैंड मास्टर कौन बन चुका है? एसपी सेतु रामन. आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन. सो ईस्ट सिक्किम हैज़ टॉप द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG. SDG का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ओके, या इंडेक्स 2021 एंड 2022. सो द इंडेक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय हु? सो किसके द्वारा जो है इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है? सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाव आंसर हो जाएगा. सो यहाँ पे हम बात करते हैं ना, सो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये सारे के सारे जो है इस इंडेक्स को जो है लॉन्च किया गया है और इसमें टॉप किया गया है ईस्ट सिक्किम. ओके, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में ईस्ट सिक्किम ने जो है टॉप किया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी. सो विच प्लेस हैज गॉट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मूवी थिएटर? सो कौन सी प्लेस है वो? लद्दाख है, सॉरी लद्दाख है, मैं हमेशा इसको गलत प्रोनाउंस करती हूँ, लद्दाख. ओके, सो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मूवी थिएटर जो है लद्दाख में. ओके, ये क्यों यहाँ पे किया गया है लद्दाख में? तो यहाँ पे जो रिमोट एरियाज है ना, ओनली टू यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, एक तो लेह है, एक तो कारगिल है. लेह एक तो बन गया कैपिटल, और ये दो डिस्ट्रिक्ट में ना उनको जो है मूवी थिएटर्स का एक्सपीरियंस देने के लिए जो है यहाँ पे लद्दाख में मूवी थिएटर जो है वर्ल्ड हाईएस्ट, यानी बहुत ऊंचाई में है. ओके, याद रख लीजिए. सो द आनंदा मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो हो जाएगा LIC. सो LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है, सो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा. क्यों? सो अभी LIC में जो एजेंट्स होते हैं, सो लाइफ पॉलिसी देते रहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होती है. सो उस पेपर वर्क को, यानी पेपर को बचाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, ताकि उनको जो है थोड़ा आसानी भी हो जाए. ओके, सो विच ईयर इज टू बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया? सो ये बहुत अच्छा है, मिलेट्स को जो है दिया गया है एक पूरा साल यहाँ पे 2020 2023. ओके,
सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स कहाँ पे है, तो वो हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना। ओके, सो 2023 को यहाँ पे हम सेलिब्रेट करने हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ओके, मिलेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आप भी खाया करो। सो इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द वर्ल्ड बेस्ट एंड द वर्स्ट टाउन्स एंड सिटीज फॉर द क्लीन एयर रिपोर्ट इज। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इंडिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो वो हो जाएगा गाजियाबाद। सो वर्ल्ड की बात करते हैं तो गाजियाबाद जो है सेकेंड प्लेस में है, और फर्स्ट प्लेस पे कौन है, तो यहाँ पे आपका, एक सेकेंड रुक जाओ, होटन सिटी ये कहाँ पे है, चाइना में है। ओके, सो ये जो है पहला प्लेस में है, सेकंड प्लेस में है गाजियाबाद। बहुत गंदा लग रहा है मुझे कि हमारे इंडिया में सेकंड प्लेस है कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, बहुत बुरा लग रहा है। इंडिया का हाल ऐसा हो नहीं होना चाहिए। जब लास्ट ईयर 2020 में पूरा साल यानी पूरा 1-2 मंथ का जब लॉकडाउन लग गया था ना, इट वॉज जस्ट अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। यू नो द रिवर गंगा कितना ज़्यादा अच्छा हो गया, पता है क्या आप लोगों को? और ये हनी बीज है ना, उस लॉकडाउन में ना जो भी आप यहाँ पे हनी कल्टिवेट यानी यहाँ पे क्या बोलते हैं, हनी जो है कलेक्ट करते हैं ना, ऐसा कल्टिवेशन या कुछ भी बोलते हैं, सो वहाँ पे क्या हुआ था ना, ये हनी पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी लीटर्स में बढ़ गया था। यानी कितना अच्छा था ना जब पोल्यूशन नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि हमको एवरी ईयर 1 मंथ जो है पूरा व्हीकल्स को स्टॉप करना चाहिए, फैक्ट्रीज को स्टॉप करना चाहिए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बचा ले। ओके, मुझे ऐसा लगता है, पर ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा करोड्स में लॉस आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखना, द एक्सरसाइज दैट वॉज हेल्ड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। सो कहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है हुआ था, सॉरी कौन सी एक्सरसाइज है जो इन कंट्रीज के बीच में हुआ था, वो है मलबार एक्सरसाइज, जो इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया है, तो यूएस की नावी के द्वारा जो है इसको होस्ट किया गया था। सो द मिलिट्री एक्सरसाइज विच वॉज कंडक्टेड जॉइंटली बिटवीन इंडिया एंड रशिया कौन सी है? सो इंदिरा 2021 जो है इंडिया और रशिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, बहुत पहले से ही है। सो वोल्गोग्राद कहाँ पे है, रशिया में है। सो यहाँ पे जो है ये वेन्यू था, यहाँ पे जो है ये एक्सरसाइज हुआ था, याद रख लीजिए। ओके, और आपको ना थोड़ा चीज़ें बतानी है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड एंड टोक्यो की पैरालंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे मैं नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि आपको ना दो अलग वीडियो है यहाँ पे, आपको पूरा अच्छे से किन को मेडल मिला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा, सब कुछ आपको वीडियोस अवेलेबल है, वो एक बार रेफर कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे ना टू साइट्स है जिनको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, एक तो रामप्पा टेम्पल, ये कहाँ पे है, तेलंगाना में है। ओके, और एक धोलावीरा, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। ओके, ये दो दोनों चीज़ें भी याद रख लो। और 44th सेशन में, यूनेस्को की 44th सेशन में ये इनको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। इससे हमारे कंट्री में कितने साइट्स बन गए हैं, 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बन गए हैं। और यूनेस्को का एस्टैब्लिशमेंट पता है क्या आपको, 16th नवंबर 1945, हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है, पेरिस में है। अगर डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं तो ऑड्रे ऑजले इज राइट नाउ डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, राइट। सो इतनी सी चीज़ें आप याद रख लो।
और इससे हम क्लास को रैप अप कर देंगे। क्लास अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कर देना, ओके, एंड शेयर कर दो आपके दोस्तों के साथ। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरी वॉइस थोड़ा कम आ रही है ना तो आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के देख लेना प्लीज, ओके। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर सेशन मैंने बोल दिया ना, सो चलो कल मिलेंगे इसी टाइम पे, ओके। और कल से हम बनाएंगे जुलाई का, कोशिश करेंगे 2 क्लासेस में 1 मंथ का करंट अफेयर्स जो है हम रैप अप कर दें, ओके। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं कल इसी टाइम पे।